like a Hellcat. और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायजराट की। आज की वीडियो फ्रेंड हम बिल्ड करने जा रहे हैं कैरी मेनाती ने जो अपना न्यू पीसी बिल्ड किया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया हुआ है कि पीसी में कौन सा स्पेसिफिकेशन का यूज किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम कैरी लाइव पे बताया हुआ था कि उन्होंने कौन सा प्रोसेसर यूज किया है, ये वाला i7-8086K। उन्होंने कितनी रैम यूज करी है, 32GB रैम। और उन्होंने गेमिंग के लिए कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज किया हुआ है, GTX 1080 Ti, 10GB। 10GB बहन तो 11GB बहन के लौड़े, 11GB। यदि फ्रेंड आप इन सभी स्पेसिफिकेशन को जानना चाहते हैं तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन फ्रेंड अजय ने यहाँ पे फ्रेंड कुछ स्पेसिफिकेशन अपने बताए हुए हैं लाइव चैटिंग में, इंस्टाग्राम की लाइव चैटिंग में। उन्होंने बताया है अपने प्रोसेसर के बारे में, रैम के बारे में और बताया है अपने ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो फ्रेंड इस इन्फॉर्मेशन को हम नजर में रखते हुए करते हैं पीसी बिल्ड। तो यहाँ पे फ्रेंड देखते हैं हम कैरी भाई ने कौन कौन से कंपोनेंट का यूज किया हुआ है। तो फ्रेंड सबसे पहले यदि हम बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे फ्रेंड कैरी भाई ने अपनी लाइव स्ट्रीम में बताया हुआ था कि यहाँ पे जो उन्होंने प्रोसेसर यूज किया है वो है इंटेल का i7-8086K एडिशन। यहाँ पे फ्रेंड बात करें हम यहाँ पे i7 प्रोसेसर की, तो ये फ्रेंड 8th जनरेशन का प्रोसेसर है। LGA1151 का इसका सॉकेट है। और बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम इसके फ्रीक्वेंसी की, तो 4.0 की इसकी बेस फ्रीक्वेंसी है और टर्बो बूस्ट में फ्रेंड ये 5.0 फ्रीक्वेंसी तक चला जाता है। और फ्रेंड देखिए हम यदि इस i7 प्रोसेसर 8th जनरेशन वाला, तो यहाँ पे फ्रेंड हमें 6 कोर और 12 थ्रेड देखने मिल जाते हैं। फ्रेंड देखिए यदि हम इधर पे इंटेल के i7 की, तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन देखने मिल जाता है। और बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम इंटेल के i7 पे ग्राफिक्स की, तो यहाँ पे हमें इंटेल के इंटीग्रेटेड 630 ग्राफिक्स देखने मिल जाते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे हमें बहुत सारे फीचर्स भी देखने मिल जाते हैं। फ्रेंड यदि मैं आपको सारे फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे फ्रेंड बेसिकली हाइलाइट्स को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने सभी प्रोडक्ट के हाइलाइट्स को यूज किया हुआ है स्पेसिफिकेशन के लिए। यहाँ पे फ्रेंड हम सभी कंपोनेंट के हाइलाइट्स को देखेंगे। तो फ्रेंड कैरी ने यहाँ यूज किया हुआ है i7 8th जनरेशन 4.0 गीगाहर्ट्ज़ वाला। अब फ्रेंड बात करते हैं हम यहाँ पे इसके मदरबोर्ड की, तो फ्रेंड यहाँ पे हम मदरबोर्ड यूज कर सकते हैं MSI का Z370 गेमिंग प्रो कार्बन एसी LGA1150 इंटेल मदरबोर्ड। यदि बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम MSI की, तो MSI बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है, तो यहाँ पे हमें गेमिंग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम इसके मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड में हमें बहुत से फीचर देखने मिल जाते हैं, जैसे कि 8th जनरेशन के प्रोसेसर। यहाँ पे हमें DDR4 के 4 स्लॉट देखने मिल जाते हैं जो 4000 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट कर सकते। और फिर यहाँ पे हमें RGB लाइट देखने मिल जाती है। फिर यहाँ पे हमें इसी तरह फास्ट गेमिंग एक्सपीरियंस, टर्बो बूस्टर, ऑडियो बूस्टर जैसे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे इस मदरबोर्ड में हमें देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड MSI के G370 गेमिंग प्रो को यूज कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड यहाँ पे हम रैम के बारे में, तो कैरी भाई ने यहाँ पे G-Skills 32GB की रैम यूज की हुई है, 16 GB की उन्होंने दो रैम का यूज किया हुआ है। बात करें फ्रेंड हम यहाँ पे G-Skills की, बहुत ही अच्छी ब्रांडेड कंपनी है और रैम बहुत ही अच्छी ये बनाती है। ट्रिडेंट RGB सीरीज DDR4 की यहाँ पे हमें रैम देखने मिल जाती है। और बात करें फिर यहाँ पे हम इसके मेगाहर्ट्ज की, तो यहाँ पे हमें 3600 मेगाहर्ट्ज की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखने मिल जाती है, जो कि गेमिंग में हमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ देखने मिल जाएगी। बात करें फिर यहाँ पे हम इस रैम की, तो यहाँ पे हमें इस रैम पे RGB लाइट भी देखने मिल जाती है। कैरी मेनाती ने जो अपना अभी न्यू PC बिल्ड किया हुआ है उसमें फ्रेंड उन्होंने G-Skills की 16 GB की दो रैम यूज की हुई है। चलिए फ्रेंड अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कंपोनेंट की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड अब बात आती है प्रोसेसर की कूलिंग की, क्योंकि फ्रेंड हम जानते ही हैं कि जितना हमारा हैवी प्रोसेसर होगा उसमें उतनी ही अच्छी कूलिंग की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड कैरी भाई ने यूज किया हुआ है कूलर मास्टर का मास्टर लिक्विड ML240R एड्रेसेबल RGB ऑल इन वन CPU लिक्विड कूलर डुअल चैम्बर वाला। फ्रेंड बात करें यहाँ पे हम इस चैम्बर की, यहाँ पे फ्रेंड सिंगल चैम्बर और डुअल चैम्बर दोनों ही अवेलेबल है।
है, लेकिन कैरी भाई ने यहाँ पे डुअल चैम्बर का यूज किया हुआ है। बात करें फिर यहाँ पे हम लिक्विड कूलिंग की, बहुत ही अच्छी प्रोसेसर में यहाँ पे हमें कूलिंग देखने मिल जाती है, जिससे हमारे कंपोनेंट्स गर्म नहीं होते हैं और हमारे कंपोनेंट की लॉन्ग लाइफ होती है। तो यहाँ पे फ्रेंड कूलर मास्टर का मास्टर लिक्विड को कैरी भाई ने यूज किया हुआ है प्रोसेसर की हीटिंग को रोकने के लिए, और मेरा सजेशन यह है कि ये बहुत ही अच्छा कूलिंग लिक्विड फैन है। तो यहाँ पे फ्रेंड अब बात आती है ग्राफिक कार्ड की। तो कैरी भाई ने यहाँ पे अपना जो ग्राफिक कार्ड यूज किया है वो है MSI का गेमिंग GeForce GTA 1080 Ti 11GB वाला। और फ्रेंड ये उन्होंने अपने लाइव चैनल कैरी लाइव पे उन्होंने गेमिंग के जरिए बताया हुआ था, वो गेमिंग खेल रहे थे, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे उन्होंने 1080 11GB का यूज किया हुआ है। यहाँ पे फ्रेंड डायरेक्ट 12 भी सपोर्टेड है यहाँ पे इस रैम पे। फिर बात करें इस ग्राफिक कार्ड की तो या फिर 2X एडिशन है, तो यहाँ पे फ्रेंड जो 1080 Ti है यहाँ पे फ्रेंड हमें करीब 3584 करीब स्क्यूबा कोर्स देखने मिल जाते हैं। यदि हम 1080 Ti को कंपेयर करें तो फ्रेंड ये अभी तक का सबसे पावरफुल ग्राफिक कार्ड है। और फ्रेंड बात करें हम GTX 1080 की, तो यहाँ पे इन्होंने OC एडिशन का यूज किया हुआ है, ओवरक्लॉक एडिशन। चलिए फ्रेंड आप बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर। तो यहाँ पे फ्रेंड यदि हम इंटरनल ड्राइव की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड आप 2TB की यूज कर सकते हैं। कैरी ने अभी तक अपने स्पेक्स को पब्लिक नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे फ्रेंड आप किसी भी हार्ड ड्राइव को यूज कर सकते हैं। अब मैं सजेस्ट करूंगा वेस्टर्न डिजिटल की कैवियर ब्लू 1TB या 2TB आप ले सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हम अपने अगले कंपोनेंट की ओर। अगला कंपोनेंट में फ्रेंड यहाँ पे हम आते हैं SSD। SSD में फ्रेंड सैमसंग की 970 EVO सीरीज की 250GB की हम SSD यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड हमें नैनो SSD भी देखने मिल जाती है। और बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम इसकी क्वालिटी की, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी भी देखने मिल जाती है। तो फ्रेंड यदि आप गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे आप सैमसंग की 970 EVO सीरीज की SSD को यूज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर। तो फ्रेंड यहाँ पे कैरी में आती है अपने सभी गेमिंग्स वीडियो में राजर का ब्लैक विडो एक्स क्रोमा मल्टी कलर मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। फ्रेंड बात करें यहाँ पे हम इसके कीबोर्ड की, तो बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। और फ्रेंड यहाँ पे हम बात करें राजर की, तो राजर बहुत ही अच्छी कंपनी है जो की गेमिंग की फील्ड में बहुत ही अच्छे कंपोनेंट्स को बिल्ड करती है। यहाँ पे राजर के फ्रेंड यहाँ पे गेमिंग माउसेस भी आते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे गेमिंग माउस की वीडियो नहीं देखी है तो गेमिंग माउस की वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है राजर के गेमिंग माउसेस को। तो यहाँ पे फ्रेंड कैरी भाई यूज करते हैं राजर का ब्लैक विडो एक्स क्रोमा गेमिंग के लिए। तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने मिल जाती है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी देखने मिलेगी, साथ ही साथ RGB की लाइट भी हमें यहाँ पे देखने मिल जाती है। चलिए फ्रेंड अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर। तो यहाँ नेक्स्ट कंपोनेंट फ्रेंड आता है माउस। तो माउस में फ्रेंड यहाँ पे कैरी यूज करता है स्टील सीरीज का राइवल 110। बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है। यदि आप काउंटर स्ट्राइक जैसे गेमों को पसंद करते हो तो आप राइवल 110 को ले सकते हैं, या काउंटर स्ट्राइक जैसे गेमों में, काउंटर स्ट्राइक हो गया, पबजी हो गया, ऐसे गेमों में आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने यहाँ पे मिल जाती है। फिर यहाँ पे हम राइवल 110 की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमने गेमिंग माउस की वीडियो बनाई हुई थी वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, राइवल सीरीज का 110 और 100। यहाँ पे मैंने दोनों ही माउस को एक्सप्लेन किया हुआ था। यदि आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे गेमिंग माउस वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि आप काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम्स को पसंद करते हैं तो आपके लिए यह माउस बहुत ही अच्छा है। चलिए फ्रेंड अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट कंपोनेंट कैरी में आती है अपने स्पेक्स को पब्लिक नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर फ्रेंड हम यहाँ पे लेते हैं कॉर्सली पावर सप्लाई RMX 1000 वाट की CP90200094NA। तो यहाँ पे फ्रेंड हम 1000 वाट की पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड जो हमारा ग्राफिक कार्ड है वो भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 1080 Ti को यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा, अभी तक के सबसे अच्छे ग्राफिक प्रोसेसरों में से एक है। तो यहाँ पे फ्रेंड फ्यूचर में यदि हमें कोई भी जरूरत होती है तो यह पावर सप्लाई हमारी सभी पावर्स को पूरी कर देगा। यहाँ पे इसलिए फ्रेंड हम ले रहे हैं कॉर्सियर की पावर सप्लाई 1000 वाट की। चलिए फ्रेंड अब हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो फ्रेंड बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है डिस्प्ले, क्योंकि यदि आप
क्योंकि यदि आप सीपीयू बहुत ही अच्छा बिल्ड कर रहे हो तो उसको आउटपुट दिखाने के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा मॉनिटर होना चाहिए जो कि 4K रिजोल्यूशन को सपोर्ट करता हो। तो यहाँ पे फ्रेंड कैरी मिनाती यूज करता है LG का 20:9 अल्ट्रा वाइड 34UC98 वाइड 34 इंच का मॉनिटर। तो यहाँ पे फ्रेंड इस मॉनिटर में हमें बहुत ही अच्छा क्वालिटी और परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है, साथ ही साथ गेमिंग पे। यदि हम बात करें 4K रेजोल्यूशन पे तो 4K रेजोल्यूशन पे यहाँ पे हमें 60 FPS भी बहुत ही आराम से देखने मिल जाता है। चलिए फ्रेंड अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर। तो यहाँ पे फ्रेंड जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है केस। तो यहाँ पे फ्रेंड कैरी ने यूज किया है कूलर मास्टर का मास्टर केस H500P ATX मिड टाउन केस विद 200mm RGB फैन। बात करें फ्रेंड यहाँ पे हम इस कैबिनेट की, तो यह फुल्ली गेमिंग कैबिनेट है। बहुत से लोग यदि गेमिंग पीसी बिल्ड करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड कूलर मास्टर का मास्टर केस S500P को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड इसमें हमें बहुत ही अच्छा लुक देखने मिल जाता है। और बात करें फ्रेंड कंपोनेंट्स की, तो ग्राफिक कार्ड में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे इसको बिल्ड करने में। और आपने देखा ही है कैरी की वीडियो में कि फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा दिखता है नाइट मोड पे, या और फ्रेंड यहाँ पे आपको RGB बहुत ही अच्छी लाइट देखने मिल जाती है। तो यहाँ पे इन सभी पार्ट्स को मिला के आप एक बहुत ही अच्छा गेमिंग पीसी बना सकते हैं। कैरी भाई ने बहुत ही अच्छा अपना गेमिंग पीसी बनाया हुआ है। यहाँ पे आप 4K गेमिंग को भी खेल सकते हैं। यदि आप इन सभी प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां से जाके लिंक को फॉलो करके इन सभी पार्ट के स्पेसिफिकेशन को देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें, और आप हमारे चैनल में न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर watching this video.